छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं देश विदेश के दिग्गज क्रिकेटर का जमावड़ा रायपुर में लगेगा, इस लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। 1000 पुलिस जवानों की क्रिकेट स्टेडियम में तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने दर्शकों के लिए रायपुर शहर से क्रिकेट स्टेडियम तक बस भी चलाने का प्लान बनाया है। बता दें कि 27 सितंबर से रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि स्टेडियम तक जाने में लोगों को लंबा जाम और 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसीलिए प्रशासन ने इस रूट में मैच के लिए बस चलाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा निजी वाहनों से आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी है, लेकिन इसके लिए दोपहिया वाहनों के लिए 20 रूपए और 4 पहिया वाहनों के लिए 30 रूपए की पार्किंग शुल्क देना होगा। 27 तारीख से आयोजित होने वाले रोड सेफ्टी टूर्नामेंट के लिए यातायात पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अलग अलग स्थानों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीआईपी रूट अलग अलग बनाए गए हैं। इसे पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने सेंट तालाब के सामने किया हुआ है और सेंट जलाशय के सामने जो हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल उसके पास पार्किंग की व्यवस्था है। परसदा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अलावा जो कार पासधारी वाहन चालक है उनके लिए अलग से मार्ग स्थापित किया गया है। उसके लिए कया बांधा होते हुए सेक्टर 12 सेक्टर 17 होते हुए सेक्टर 4 के पास से स्टेडियम पर आ सकेंगे। उनके लिए ABCD 4 प्रकार के पास जारी किए गए हैं।